दोस्तों सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के लिए एक UGC का लेटर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि ऑनलाइन यूनिवर्सिटी कोई भी कोर्स अब नहीं करवा सकती है और जिसमें यूनिवर्सिटी को बैन कर दिया गया है। अब लेकिन उसके चक्कर में जो लोग यहाँ से ODL में कोई कोर्स कर रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, तो उसके पीछे क्या दिक्कत आ रही है आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और उसके साथ साथ ये है, अगर हम रैंडम अपडेट्स की भी बात करें तो मार्कशीट और नेक्स्ट एग्जाम कब होंगे, ये दो इंक्वायरी आप लोगों की आ रही है, उसके बारे में बात होगी। और इससे पहले आज जैसे कि 15 अगस्त को ये वीडियो मैं बना रहा हूं, तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि मार्कशीट कब आएगी। अब आपको बता दूं, मार्कशीट आना स्टार्ट हो चुकी है। आपको जो भी आपने कोर्स किया था यहां से, डिस्टेंस लर्निंग की हम बात करें, मैं यहां रेगुलर की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं, तो डिस्टेंस लर्निंग में अगर आपने यहां से BA, BCOM, BBA, MBA, MA कोई भी कोर्स किया था, तो उन सभी की मार्कशीट अब यूनिवर्सिटी से कोरियर लगना स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल भी चुकी हो, और जिनको नहीं मिली है तो उनको भी धीरे धीरे यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कोरियर की जा रही है। और हाँ, इसमें आपके सेंटर पर ये मार्कशीट नहीं आएगी, ये सारी की सारी मार्कशीट आपको बाई कोरियर आपके एड्रेस पर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से मिलेगी। सेंटर से सिर्फ एड्रेस ले लिया गया है हर स्टूडेंट का, जिससे कि स्टूडेंट के पास वो मार्कशीट पहुंच जाए। नंबर दो पे बात करते हैं ये कि इसके एग्जाम कब होंगे, जो कि जुलाई में होने थे, फिर 5 अगस्त को भी एक अपडेट आना था जो कि नहीं आया, और अभी तक इसमें एडमिशन हो रहे हैं। तो आपको बता दूं कि इसमें जो है अब 20 या 22 तारीख तक, जहां तक है, इसका आ सकता है कि किस डेट से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ये मैंडेटरी है कि अगस्त में ही यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम स्टार्ट कर लेगी। अब इसके बाद बात करते हैं, जो लेटर हम बार बार बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को बैन कर दिया गया है, UGC ने इसको कोई भी एडमिशन लेने के लिए बैन कर दिया गया, उसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम एक चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी को रेगुलर का अप्रूवल 2008 में UGC के द्वारा मिल चुका था, यानी कि अगर आप यहां से कोई भी कोर्स रेगुलर कर रहे हैं तो आपका वहां पर 100% वैलिड है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट रेगुलर में भी कुछ इंक्वायरी ऐसी आती है, कुछ लोग हमें कॉल करते हैं जो बताते हैं कि मैं वहां से, मैंने BLIS किया है, मैंने वहां से PGDCA किया है और ऑनलाइन एग्जाम दिया था। तो कोई भी यूनिवर्सिटी अगर इंडिया में जिसको UGC का अप्रूवल हो, अगर हम 2021 की बात छोड़ दें, 2020 की बात छोड़ दें, जब कोरोना का टाइम था तो उस टाइम पर असाइनमेंट हुए थे या फिर ऑनलाइन कुछ किया गया था, बट रेगुलर मोड पर आप कोई भी एग्जाम अगर ऑनलाइन देते हैं आपका वैलिड नहीं माना जाता है। तो यूनिवर्सिटी से अपना जो भी, अगर आपने भी कुछ ऐसा किया है कि रेगुलर आपने किया था कोर्स और उसके एग्जाम ऑनलाइन दिए थे, तो उसको वेरीफाई जरूर करवा ले कि आपका रिकॉर्ड वहां पर है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है बाद में आपको दिक्कत आए। डिस्टेंस लर्निंग में आप बात करें तो डिस्टेंस लर्निंग में यूनिवर्सिटी 2020 से कोर्सेज करवा रही है, इसको जो अप्रूवल्स मिलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर कोर्स को कौन सा अप्रूवल और कितने टाइम के लिए मिला है। वैसे तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो सुरेश ज्ञान विहार के ऊपर बना चुका हूं, जिसमें कि आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इसको कब कौन सा अप्रूवल मिला था। अब बात करते हैं जो लेटर यूनिवर्सिटी का वायरल हो रहा है, जिसमें कि सभी स्टूडेंट हमें बार बार भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, या फिर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हैं, वहां पर वो बात कर रहे हैं कि इससे ये तो फेक हो गया है, हमारा भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ था और हमारा तो कोर्स बर्बाद हो गया है। तो पहले तो हम उस लेटर को ही पढ़ते हैं कि उस लेटर में आखिर लिखा क्या है, जिसमें कि सार्वजनिक सूचना जो UGC ने की है कि 578वीं उनकी एक मीटिंग हुई है जिसमें कि ये बताया गया, तो आखिर वो लेटर है क्या। तो जैसे कि आप यहाँ चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लेटर में साफ साफ, बैन ऑन सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान फॉर ऑफरिंग इन ऑनलाइन मोड, यानी कि ऑनलाइन मोड पे अगर यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी कोर्स करवाती तो उसको बैन कर दिया गया। इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द जनरल पब्लिक एंड ऑल कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स दैट द कमीशन इन इट्स 578th मीटिंग हेल्ड इन 13th मार्च ऑफ 2024 हैज़ डिसाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। यहाँ जो हाईलाइटेड पार्ट है वो आपको ये है कि द HEI आप सभी को पता है, मैंने कई बार वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए जो होता है, शैल बी डिबार्ड बैंड फ्रॉम ऑफरिंग ऑनलाइन प्रोग्राम्स फॉर द नेक्स्ट 5 अकेडमिक सेशन बिगनिंग फ्रॉम July-August 2024 एंड नो एप्लीकेशन शैल बी कंसिडर्ड फॉर द अकेडमिक ईयर 24-25 एंड 25-26 टू ऑफर प्रोग्राम्स इन ऑनलाइन मोड इवन अंडर एंटाइटल्ड कैटेगरी। तो दोस्तों ये जो है ये लेटर सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि यूनिवर्सिटी कोई भी प्रोग्राम ऑनलाइन मोड पर 2024-25 और 25-26 के लिए नहीं चला सकती है, जिसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है UGC के द्वारा। अगर आप यहाँ से डिस्टेंस में या रेगुलर में कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसका इस लेटर से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।